प्रदेश के साथ लगते पंजाब राज्य व बद्दी बरोटीवाला से बिलासपुर जिला की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों को स्वारघाट प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर ही पकड़ा गया तथा उन्हें अस्थायी तौर पर बनाए गए आश्रय स्थलों में रखा गया, लेकिन इन स्थलों में पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण स्थानीय प्रशासन ने मंदिर न्यास नैना देवी की सराय और स्वारघाट स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। कुमार नालागढ़ से हमीरपुर जा रहा था तो फिर पुलिस वालों ने स्वारघाट बैरियर पे रोका, फिर इन्होंने अपने कैंप में रखा। तो कैंप में सारी सुविधाएं खाने की, पीने की, रहने की, अंदर सोने की और डिस्टेंस बना के उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बंदे हैं हम इधर, उनमें रहने की प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम, प्रॉपर टाइम टू टाइम सब कुछ व्यवस्था दी है गवर्नमेंट ने, कोई ऐसी बात नहीं है। और जितने भी बंदे हैं सुबह लंच ना सॉरी सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, डिनर, उसके बाद दूध, फिर साफ सफाई का पूरा ध्यान है। कमरों में दो दो बंदे रखे हुए हैं, किचन सॉरी लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ की सुविधा है, किसी भी चीज़ का मतलब हमें कोई भी वो नहीं है। रामपाल बद्दी से यहाँ पे आया हूँ स्वारघाट में, क्वारंटाइन के लिए मुझे यहाँ पे 14 दिनों के लिए रखा गया है और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और कमरे बहुत बढ़िया है और बहुत साफ सफाई है, पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है, धन्यवाद। जो लोग आए थे SDM स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि इन दोनों जगहों पर क्वारंटाइन के समय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि स्कूलों में ये सुविधा देना शासन के लिए मुमकिन नहीं था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन लोगों को शिफ्ट किया है ताकि इन्हें सुविधाएं मिल सके। पंजाब बॉर्डर और नालागढ़ बद्दी की तरफ से तो एक तरह से हमारे माइंड में था कि लंबे समय के लिए जो है लोगों को स्कूलों में रखना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, वो जिस लेवल की सुविधाएं हम उनको देना चाहते हैं वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तो उनको एक ट्रांजिशन कैंप के रूप में हमने वहां पे ठहराया था। हो सकता था कि हम उनको आगे भी वही सिस्टम कैरी करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसा आपको पता है स्कूल में वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, तो उसके मद्देनजर जो है ये डिसीजन लिया गया कल कि उनको ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ प्रॉपर टॉयलेट सुविधाएं हों, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नज़दीक डॉक्टर्स हों जो रोज उनको दिन में 2-3 बार जो है एग्जामिन कर सकें। तो इसी कड़ी में जो है उनको 4 कैंपों में जो है शिफ्ट किया गया है, जैसे स्वारघाट में हमारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस और कहलूर होटल, ये 3 कैंप हैं, और नैना देवी जी में जो है मातृ सदन, बड़े बड़े जो है हॉल्स हैं, प्रॉपर 3-3 मीटर की, 2.5-2.5 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे इंश्योर की जा रही है। आपने देखा होगा स्कूल में उतनी सोशल डिस्टेंसिंग करना संभव नहीं हो पा रहा था, तो वो इंश्योर करने के लिए जो है हमने इनको और जगह शिफ्ट किया है। और इसके अतिरिक्त भी आज उपायुक्त महोदय ने यहाँ पे दौरा किया है, जहाँ व्यवस्थाओं को और बेहतर जितना भी हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, चाहे टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से, जिला प्रशासन के जो फंड्स हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्वयंसेवी संस्थाएं साथ में आ रही हैं, मैं उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा, जो वॉलंटियर लोग सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे संतोषी माता मंदिर कमेटी है, व्यापार मंडल स्वारघाट है, या कहलूर होटल के जो लोग हैं उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है ये सुविधा हमारे लिए दी, क्योंकि स्वारघाट में सीमित सुविधाएं हैं, तो उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। इसके अतिरिक्त जैसे कहलूर एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम ना लेते हुए उन सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने जो इस कठिन समय में प्रशासन का सहयोग किया है, जनता का सहयोग किया है, वो आगे भी जारी रहेगा।